मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। इन्हें नामीबिया से लाया गया था। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर को इन्हें कुनो पार्क में छोड़ा था। चीते 50 दिन से क्वारंटाइन एरिया में थे। 6 चीते अभी भी क्वारंटाइन एरिया में ही हैं। इन्हें बाद में छोड़ा जाएगा। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सभी चीते स्वस्थ हैं, अच्छी तरह से तालमेल बैठा रहे हैं। खास बात यह है कि एक मादा चीता का नाम पीएम मोदी ने आशा रखा है। एमपीपीईबी ने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के 350 पद पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश सरकार में होगी। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2022 है। कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट 12वीं पास, आईटीआई पास होना चाहिए। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। परिवारवाद के खिलाफ गुजरात में लागू भाजपा के फार्मूले में मध्य प्रदेश के कई नेता पुत्रों के टिकट पर संशय की स्थिति बनने वाली है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने गुजरात चुनाव के लिए साफ किया है कि किसी भी विधायक व सांसद के बेटा, बेटी या परिजनों को टिकट नहीं मिलेगा। एक साल में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। साफ है कि बेटे बेटियों के साथ परिजनों के लिए टिकट की आस लगाए बड़े नेताओं को झटका लग सकता है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उनका हर शॉट फ्रंट फुट पर होता है, करते भी अपने मन की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक दिग्विजय सिंह इस समय उनके साथ साथ चल रहे हैं। एक दिन का विश्राम मिला तो क्रिकेट खेलते देखे गए। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में एवी रोड पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। देर रात हुए हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। चारों धामनोद की ओर से गणेश घाट बाकानेर अपने गांव जा रहे थे। भाटी ढाबे के सामने चौराहे पर टर्न लेते समय बस ने टक्कर मार दी। देवी सिंह, पत्नी अनीता, बेटा चेतन और चिंटू इस हादसे में मारे गए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।